हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस के हेल्प यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू के कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं। ये जो सारे सवाल हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक सभी का ये कॉम्बिनेशन है ये, और ये सभी इम्तिहान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने आज का पेपर पढ़ा होगा, ओके, तो उसमें दिया गया है कि दशहरे के बाद यूपी टीजीडी पीजीडी की नोटिफिकेशन जारी होगी। अगर जारी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कुछ थोड़ा लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नवंबर तक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, नवंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा ये जो पेपर होते हैं, पहले का मैं बताना चाहूँगा और अब प्रेजेंट टाइम का मैं बताना चाहूँगा। आप लोग, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। पहले ये होता था जो 85% आपका पेपर पे डिपेंड करता था, ओके, 10% इंटरव्यू और 5% आपका वेटेज दिया जाता था। जो आपके पास डिग्रियां हैं, एमएड कोई किया है या फिर कोई पीएचडी किया है या कोई एमफिल, इस तरह की कोई डिग्री आपने ली है, तो इसका 5% वेटेज दिया जाता था। 85% आपका एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड था और 10% आपका इंटरव्यू होता था। इस पैटर्न पर वैकेंसीज फिल होती थी। लेकिन इस टाइम जो 2020 में आएगी जो नोटिफिकेशन, उसमें 95% डिपेंड करेगा आपका पेपर पे, यानी जो आपका रिटर्न पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव 125 क्वेश्चन आएंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। 125 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके सब्जेक्ट पर आएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा कमांड रखते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से अपना तैयारी, एक जो आपका एम है, बना लीजिए। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। और ये भी बताना चाहेंगे, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम ड्यूरेशन में, बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अब इतनी समय हमारे जो सीएम साहब हैं, योगी जी, वो बहुत ही फास्ट मोड में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। नोटिफिकेशन आएगी, एग्ज़ाम कराएंगे और सब कुछ जल्दी हो जाएगा। कम ड्यूरेशन पीरियड में सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप जुड़ जाइए और अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप खुद अपना बेहतर समझते हैं कि आपका किस में बेहतर है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस काबिल खुद हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बाकी बातें इस तरह से होती रहेगी। बीच बीच में अगर आपको कोई चीज़ पूछना है या कोई चीज़, तो आप कमेंट करके पूछ लिया कीजिए किसी के बारे में, कुछ भी, कोई भी डाउट आपको रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सितम जदा को हमने थाम थाम लिया, किसका शेर है। यहाँ पर हम सिर्फ सवाल पढ़ेंगे और जवाब देंगे। आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, मेरा मेन मकसद यही होता है, कम समय में आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, ओके। चलिए, इसका हम जवाब बताते हैं आपको। इसका जो जवाब हो जाएगा, मीर तक मीर, मीर तक मीर का ये शेर है, ठीक। चलिए अगले सवाल चलते हैं। इस चैनल से बीटीसी वाले भी जुड़ सकते हैं, बीएड वाले भी जुड़ सकते हैं, एमए जो कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जो एमए करेंगे वो नेट की तैयारी करेंगे, और इसमें जो सवाल हैं नेट वाले भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नज़ीर, नज़ीर अकबराबादी ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इसलाह ज़बान के लिए कौन सा शायर मशहूर है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, नासिक, ठीक है। अगला सवाल है, एजाज व इक्तिशार किस मसनवी की खसूसियत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है, गुलजारे नसीम, गुलजारे नसीम में यह बात की गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, मुहसिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है। इसका सही जवाब हो जाएगा,
अब्दुल रहमान बिजनौरी, अब्दुल रहमान बिजनौरी की ये किताब है, उन्होंने लिखा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दो इश्क किसकी नज़्म है? अब आपको यहाँ पर बताना है दो इश्क किसकी नज़्म है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन टू। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म है दो इश्क। हमारा अगला सवाल है, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई ये नज़रिया किस तहकीक का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर, ऑप्शन थ्री। ओके, मसूद हुसैन खां, ऑप्शन थ्री। ठीक, अगले सवाल चलते हैं, फैजू किस नावल का किरदार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टू, अमराजान अता। ठीक है, अमराजान अता का ये है। अगला सवाल है, फ़लसफ़ा कलाम गालिब का मुसन्निफ कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शौकत सब्जेवारी। ठीक, अगला सवाल है, ज़ुर्रात कहाँ पैदा हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला सवाल है, संस्कृत के किस किताब में रस का नज़रिया पेश किया गया है? अब आपको ये बताना है जो संस्कृत में रस का नज़रिया पेश किया गया है किस किताब में संस्कृत के, तो ये सही जवाब है आपका नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में आपका ये नज़रिया पेश किया गया है। ठीक है, रस का नज़रिया पेश किया गया। अगला सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? अब यहाँ पर ये बताइए अभिज्ञान शकुंतलम का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? सही जवाब है आपका कुतुबुद्दीन जैदी, ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल पे चलते हैं, गालिब ने किस फारसी शायर की रोज पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन टू, बीदल। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी का सन पैदाइश क्या है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन टू, 1896 में रशीद अहमद सिद्दीकी की सन पैदाइश है। नकातुल शोरा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, तश्किरा। अगला सवाल है, फिर इसी बेवफा पे मरते हैं फिर वही जिंदगानी हमारी है, ये शेर किसका है? ऑप्शन सी, आतिश। ओके, अगला सवाल पे चलते हैं, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, यह कॉल किसका है? सही जवाब है ऑप्शन फोर, अजमतुल्ला खां। ठीक है, अगला सवाल है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का, इस शेर में किस नुक्ता पर जोर दिया गया है? आपको ये बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, वहदतुल वजूद पर इस पर जोर दिया गया है। अगला सवाल है, बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, सिराज औरंगाबादी। अगला सवाल है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर के किसका मजमून है ये? जो सर सैयद और उर्दू लिटरेचर है मजमून किसका है ये? सही जवाब है ऑप्शन फोर, सिबली नुमानी, सिबली का है ये। अगला सवाल है, दिल्ली काले से कौन सा मुसन्निफ वाबस्ता था? सही जवाब है ऑप्शन थ्री, मास्टर ताराचंद। ठीक, अगला सवाल है, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, मीर को शायर बेदिमाग कहा जाता है। अगला सवाल है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को किसके ज़माने में उरूज हासिल हुआ? सर सैयद, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद अली जौहर, सिबली। तो इसका सही जवाब है मौलवी अब्दुल हक के ज़माने में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को क्या मिला?
अरूज हासिल हुआ। खुदा की बस्ती का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है ऑप्शन टू, शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती। अगला सवाल है, तरतीब जमाने के एतबार से सबसे पुराने शायर पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें सबसे पुराने शायर हमारे हैं कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह सबसे पुराने शायर, इन्हीं को ही पहला शायर तस्लीम भी किया गया है, इस वजह से ये सबसे पुराना शायर। अगला सवाल है, फिरोजा किस शायर का शायरी मजमुआ है? सही जवाब है नौमीम राशिद, ठीक है ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल है, शेख वजूदी किसके नावल का किरदार है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, शेख वजूदी। बताइए क्या होगा जवाब इसका, ऑप्शन टू अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी, ठीक है, कहाँ लिखी गई है? इसका सही जवाब है लखनऊ, ठीक है लखनऊ में लिखी गई, क्योंकि हमारे जो इंशा अल्लाह का इंशा है दबस्तान लखनऊ से उनका ताल्लुक है, तो इस वजह से ये हो जाएगा कि ये कहाँ लिखी गई है, लखनऊ में लिखी गई, रानी केतकी की कहानी, ठीक है ये एक दास्तान है। अगला सवाल है, अजायबुल कसस का मुसन्निफ़ कौन है? चार ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब है ऑप्शन टू, अता हुसैन तहसीन। अगला सवाल चलते हैं, मीर के कितने दीवान हैं? अब आपको ये बताना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सात, मीर के सात दीवान हैं। यहीं पर हम आज का जो सेशन कंप्लीट करते हैं, इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो चल रही है हम देते रहेंगे, और लाइव सेशन पर भी आप जुड़ें, लाइव सेशन में भी आइए आप, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, क्योंकि अगर अब यहाँ मिस्टेक आप कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं करेंगे आपकी, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मेन होता है। एग्ज़ाम से पहले आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना मॉक टेस्ट दे देंगे, उतना बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा, ठीक है। आप तैयारी अपनी करते रहिए, और मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइव सेशन भी होगा, लाइव सेशन में आप दीजिएगा, ओके। चलिए ठीक है, सभी के साथ मेरी नेक दुआएं हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़ें और जो आपका मकसद है उसमें आप कामयाब हों, और मैं उनसे कहना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर हैं जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइब कर लें, और इसको चैनल को लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, फैले, ताकि लोग उर्दू को ज़्यादा पढ़ें। जब उर्दू को लोग पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जब पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे तो वैकेंसी भी ज़्यादा आएगी, बात समझ रहे हैं। इस वजह से आप वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दिया करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, दुआ में याद रखिएगा।